दोस्तों, अगर आप Vivo V40 Pro का कैमरा टेस्ट देखना चाहते हो या इसको कैमरा पर्पस से बाय करना चाहते हो, वीडियो लास्ट तक देखना। मेरे पास सारे सैंपल अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हर चीज़ ली और यहाँ पर आप वाटर मार्क भी देख सकते हो। तो ये इसी के सारे सैंपल आपको देखने को मिलेंगे। मैंने इसको काफ़ी दिन पहले ही टेस्ट कर लिया था, बट मैं आपके लिए अब रिव्यू लेकर आ रहा हूँ। कैमरा पर्पस से बाय करना, वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फटाफट से सैंपल दिखाता हूँ जूम कर करके। तो सैंपल आपके सामने देख सकते हो, मैंने काफ़ी सारे इसके सैंपल लिए हैं, बट मैं स्टार्ट करता हूँ नाइट मोड से। यहाँ पर हम सबसे पहले फोटो देखेंगे पोर्ट्रेट्स की। इसमें आप अगर डिटेल देखोगे तो बहुत कम है, बट वन टाइम जब आप फोटो देखते हो तो अच्छी लगती है। नेक्स्ट आप देखोगे इसके अंदर वीडियो बनाया हमने अल्ट्रा वाइट पे, तो जब अल्ट्रा वाइट पे वीडियो आप बनाते हो तो ब्लर हो जाता है थोड़ा सा। ये हमने बनाया 4K 60 FPS पे, तो यहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ये वाला सेल्फी अगर आप देखते हो रात में तो भाई डिटेल इसकी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सॉफ्ट फोटो था। डे के अकॉर्डिंग बात करें तो क्रिस्पीनेस कम है, यहाँ पर आप और देख सकते हो हल्का हल्का सा ब्लर भी आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे पोर्ट्रेट देखते हो अगर आप सेल्फी में तो कुछ इस तरह का है, क्लियरिटी है और बैकग्राउंड डिटेक्शन भी इसने बहुत अच्छे से किया है, प्रॉपर ब्लर इसने किया है। अगर आपके पास लाइट कंडीशन अच्छी है तो फोटो अच्छी आएगी, लाइट कंडीशन ख़राब है तो ऑब्वियसली फोटो ख़राब आएगी। यहाँ पर हमने मेन लेंस पे लिया है, सॉरी ये अल्ट्रा वाइट का फोटो है। इस पर आप देखोगे सबसे अच्छी बात वीवो की अल्ट्रा वाइट पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है, डे लाइट में आपको और आगे पता चलेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हो ये हमने मेन लेंस पे लिया है, ये थोड़ा जूम करने के बाद लिया है, तो मूवेबल ऑब्जेक्ट पे भी ये स्टेबल फोटो ले सकता है। इसका कंपैरिजन अपने ओप्पो रेनो 12 प्रो से किया है, वो भी आप जाके देख सकते हो। इसकी फोटोज रेनो 12 प्रो से बढ़िया थी, वो आप कंपैरिजन में आप देख सकते हो। ये भी एक अल्ट्रा वाइड का फोटो है, उस पर भी डिटेल्स शार्पनेस अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, ये भी एक अल्ट्रा वाइड है। यहाँ पर हमने जूम करने के बाद फोटो लिए, थोड़ी सी कम डिटेल आई है क्योंकि रात था, दिन में अच्छी आती है। स्किन टोन्स की बात करें तो कुछ इस तरह का है। अगर आपके पीछे लाइट है तो एवरेज फोटो आएगी, अगर आपके फ्रंट पे लाइट है तो ज़्यादा अच्छी आएगी। पोर्ट्रेट यहाँ पर अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि पीछे ज़्यादा लाइट थी, सब्जेक्ट पे फोकस में लाइट्स नहीं थी। ये वाला आप देखोगे सब्जेक्ट पे फेस पे अच्छी खासी लाइट थी, तो यहाँ पर डिटेल भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। फ्लेयर्स अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसने। अगर वीडियोज़ की बात करें 4K 60 FPS तक आप इसके अंदर वीडियो बना सकते हो और डिटेल भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाएगी। आगे मैं आपको बताऊँगा वीडियो में जूम पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये वाला आप वीडियो देखोगे सेल्फी का 4K 60 FPS पर है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, स्मूथनेस थी और आप स्किन टोन देखो कितना क्रिस्प और बढ़िया फोटो आया है। स्किन टोन बहुत अच्छा मेंटेन है, जिनको व्लॉगिंग करना है ना बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियोस पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हो यानी बैकग्राउंड ब्लर करके, तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरह की क्वालिटी है, बहुत अच्छा स्किन टोन और डिटेल इसने मेंटेन करी है। नेक्स्ट वीडियो है जूम के लिए, अगर आप वीडियो में जूम देखना चाहते हो। सबसे अच्छी बात यह कि जूम में क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हमने रेनो 12 प्रो से कंपेयर किया था ओप्पो के, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लरनेस आ रही थी, इसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। बाकी और स्टेबिलिटी कलर्स के लिए बताऊँ, हाँ कभी कभी 60 FPS पे आपको फ्रेम ड्रॉप्स लगेगा, थोड़ा सा जर्कनेस लगेगा। और स्टेबिलिटी की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा कैमरा शेक भी हुआ था। और 60 FPS का फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर 60 FPS पे जब वीडियो बनता है तो आप स्मूथनेस देखो, जब मैं इसको रोक रहा हूँ तो मैं एक एक फ्रेम यहाँ पर देख सकता हूँ, जैसे बॉल जा रही है, टकरा रही है, तो ये 60 FPS का फ़ायदा होता है। तो जिन फ़ोन्स पर 60 FPS होता है उनके रिजल्ट्स कुछ इस तरह के आते हैं। यहाँ पर आप स्टेबिलिटी देख सकते हो, फ़ोन मैंने बहुत ज़्यादा मूव करके देखा था, ऊपर नीचे सारे एंगल यहाँ पर हमने ट्राई किए थे। मुझे पर्सनली कलर्स और डिटेल्स काफ़ी अच्छी लगी वीडियोज़ की। सेल्फी की बात करें डे लाइट में, पोर्ट्रेट देखो कितना शानदार है। यहाँ पर अगर आप फ्लेयर्स देखोगे बहुत बढ़िया है, फेस पे क्लेरिटी शानदार है, जो कलर्स है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। मतलब सेल्फी के मामले में तो भाई क्लियरली विनर है किसी भी ब्रांड से कंपेयर करो तो, और इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसने निकाल के दिया है। क्रिस्पनेस, डिटेल और बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा है भाई, नो डाउट। यहाँ पर हमने अलग अलग लाइट कंडीशंस में फोटोज, बैक कैमरे के पोर्ट्रेट्स की बात करेंगे या नॉर्मल फोटोज़ की बात करेंगे तो कुछ इस तरह की। कलर जो इसके थे बहुत अच्छे से इसने मेंटेन किए, आप यहाँ पे देखोगे डिटेक्शन देखो कितना शानदार है। इवन डिटेल भी अगर आप देखोगे फुल जूम करने के बाद भी, फोटो क्रॉप करने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है, DSLR लाइक फोटोज़ आपको इसमें लगेंगे। और ये सब हमने 2x पे लिए हुए हैं, 50mm पे बोल सकते हो आप, ये भी हमने 50mm या 2x पे बोल सकते हो, 100mm तक भी आप इसके अंदर जा सकते हो। डिटेल के मामले में कोई भी डाउट नहीं है, बहुत तगड़ा फोटो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा तगड़ा इसने फोटो निकाल कर दिया है। और सबसे अच्छी बात पोर्ट्रेट्स में ये मूवेबल ऑब्जेक्ट्स की भी ले पाता है। यहाँ पर आप देखो ये जो लड़का था रनिंग कर रहा था, बॉल भी मूवेबल थी और फिर भी इसने जो पोर्ट्रेट निकाल के दिया बहुत तगड़ा निकाल के दिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रॉप करने के बाद भी एक एस्थेटिक सी फोटो बनाई जा सकती है, इतनी इसके अंदर डिटेल है। और ये भी चलता हुआ व्यक्ति था, इस पर भी इसने डिटेक्शन अच्छा दिया है। और यही सेम फोटो ये वाली इस पर हमने ओप्पो में भी लिया है, बट वो रनिंग में ब्लर नहीं कर पाया था, ये एक अलग इसकी बात है। अल्ट्रा वाइड और डिटेल्स की बात करें तो कुछ इस तरह का है। डिटेल, कलर्स, सेचुरेशन बहुत अच्छे से इसने मेंटेन किया है। अगर आप यहाँ भी डिटेल देखोगे तो बहुत अच्छी निकाल कर दिए। आगे जूम भी आपको बताऊँगा। और सबसे अच्छी बात जो इसका अल्ट्रा वाइड है, ये जो फोटोज़ आप देख रहे हो ये अल्ट्रा वाइड की है, तो क्लेरिटी से पता नहीं लगता है कि अल्ट्रा वाइड है या मेन लेंस है।
लेकिन यहाँ पर आप देखोगे अल्ट्रा वाइड पे फोकस भी इसका अच्छा है, बिल्कुल मैक्रो शॉट्स लेना हो तो वो भी आप इसके अंदर ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप डिटेल देखोगे, सेम फोटो हमने ओप्पो के फ़ोन से ली थी, उसने बहुत ज़्यादा बेकार फोटो ली थी, ब्लर कर दिया था, पर इसने देखो बिल्कुल मैक्रो फोटो निकाल के दिए, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। ग्रुप फोटोज़, ग्रुप सेल्फीज़ अगर आप लेते हो बैक कैमरे से कुछ इस तरह की है, 2x 3x 5x पे अगर आप लेते हो तो कुछ इस तरह का इसमें रिजल्ट आएगा। कलर शेडोज़ इस तरह की है, बहुत अच्छा इसने कलर मेंटेन किया है। यहाँ पर स्किन टोन्स की अगर बात करें हुए, जूम करने के बाद भी हर एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिलेगी, ये भाई इसकी काफ़ी अच्छी बात है। स्किन टोन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, डिटेल्स के मामले में अच्छा है, फोटो फट नहीं रहा है। अगर आप सब्जेक्ट्स को ब्लर करके फोटो लेते हो, पास से फोटो लेते हो, कुछ इस तरह का है। शेडो मेंटेनेंस भी आप देखोगे बहुत अच्छे से इसने मेंटेन किया है, जूम वगैरह के बाद कुछ इस तरह की डिटेल आ जाती है 2x 5x 10x पे। यहाँ पर अगर आप HDR रेंज देखते हो और कलर देखते हो, कितना स्टेबल फोटो आया है। यहाँ पर जूम करने के बाद भी डिटेल देखो आप कितनी बढ़िया है, HDR रेंज इसकी अच्छी है। ये वाला फोटो भी आप देखोगे, देखो भाई डिटेल देखो, शार्पनेस देखो, क्रॉप करने के बाद भी एक फ़ोटो बनाया जा सकता है, इतना इसका डिटेल है। सेल्फी हमने कुछ और ली है डायरेक्ट, अगर सनलाइट फेस पे आती है या शेडो में अगर आप फोटो लेते हो तो कुछ इस तरह की है। सो ये था इसका ओवरऑल कैमरा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह के कैमरा टेस्ट कंपेरिजन जो भी आप कमेंट करोगे उस पर वीडियो ला के दे देंगे। सो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।